पिछला साल हमे श्री विधि से धान के खेती करने रहिए। हमे पुराना विधि छोड़ी के श्री विधि से खेती करे ला चिंतित रहिए। कहने कि श्री विधि में ज्यादे मजदूर के जरूरी पड़े, यही कारण खेत के एक कोना में श्री विधि से खेती करे के हमे निर्णय ले लिए। श्री विधि में बीज उपचार करे में कोई मजदूर खर्च नहीं लगे, कहने कि वो जे छे अपना घरे पर 10 से 15 मिनट में हम कर ले। अगर हम एक कट्ठा के बात करिए तो श्री विधि से नर्सरी बेड बनबे में आधा दिन के मजदूरी खर्च ज़्यादा लगे, और श्री विधि से धान के खेती रोपाई करे में एक दिन के मजदूरी खर्च ज़्यादा लगे, लेकिन निकौनी करे में आधा दिन के मजदूरी खर्च कम लगे। कुल मिला के श्री विधि से खेती करे में एक दिन के मजदूरी ज़्यादा लगे, लेकिन एकर बदला में 50 किलो धान के हमरा अधिक उपज भेले, और 10 रुपया किलो के दर से बिक्री केला पर हमरा 500 रुपया अधिक मुनाफा भेले। यही लिए यही मुनाफा के चलते श्री विधि से खेती करे में एक दिन के मजदूरी बढ़ावे के लिए हम तैयार छी। ऐ साल भी हमें श्री विधि से धान के खेती करबे। जब हम श्री विधि से खेती करे लागलिए तो पुराना विधि से श्री विधि में हमरा कोई अंतर नहीं पड़े। हमरा सब जानकारी दे में VRP बहुत मददगार साबित भेले। हमें समय समय पे VRP से पूछलिए और जे जानकारी दिलके ये हमरा बहुत मददगार साबित भेले। हमरा पुराना विधि के मुकाबला से श्री विधि में ज़्यादा उपज प्राप्त भेले, और अब हमें श्री विधि से धान के खेती करे के लिए सक्षम छी। इस साल हमें फिर श्री विधि से धान के खेती करबे, और दूसरों दीदी के श्री विधि से धान के खेती करे के लिए उत्साहित करबे।